हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर नीट एमडीएस तो ध्यान से समझेंगे इसे सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो एंटीजन कम्बाइन्स विद इट स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन एन ऑब्जर्वेबल मैनर तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि एंटीजन हमेशा अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही कंबाइन होगा ओके okay? ये चीज याद रखना है वो ऐसे किसी एंटीबॉडी से कंबाइन नहीं होता है वो अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही कंबाइन होता है एंड द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक जो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो भी स्पेसिफिक होता है ओके okay? ये याद रखेंगे नाउ अब इसका यूजेस देखते हैं क्या इसका यूजेस है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है तो उसका यूज क्या हो रहा है इन बॉडी और इन वीवो तो बॉडी में जो एंटीजन एंटीबॉडी हो रहा है रिएक्शन हो रहा है उससे क्या यूज है इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट इंफेक्शियस डिजीज कोई भी इंफेक्शियस डिजीज है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ओके टू टिश्यू इंजरी इन सम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड ऑटो इम्यून डिजीज तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में यह क्या करता है टिश्यू इंजरी का काम करता है और ऑटो इम्यून डिजीज में ओके okay? याद रखेंगे नाउ इन दी लेबोरेटरी और इन विट्रो अब लेबोरेटरी और इन विट्रो में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का क्या यूज है फॉर द डायग्नोसिज ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का यूज करते हैं देन डिटेक्शन एंड क्वॉंटिटेशन ऑफ ईदर एंटीजन और एंटीबॉडी तो एक तो ये पता लगाने के लिए यूज होता है एंटीजन एंटीबॉडी का और उसकी क्वॉंटिटी चेक करने के लिए एंटीजन कितना है एंटीबॉडी कितना है ओके अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो एंटीजन एंटीबॉडी में एंड एंटीजन कंबाइन ओनली विद इट्स होमोलोगस एंटीबॉडी मैंने पहले बताया था कि एंटीजन हमेशा अपने होमोलोगस एंटीबॉडी से ही जुड़ेगा ओके या फिर वाइस वर्सा एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ेगा ओके मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट एंड नॉट द fragment. तो ये याद रखना है जब एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ते हैं तो पूरा ली वो पूरा जुड़ेंगे ये नहीं कि fragments में जुड़ रहे हैं ऐसा नहीं होता कहीं भी ओके ओनली द antigens participate पार्टिसिपेट इन antigen एंटीबॉडी रिएक्शन ये भी है जो सरफेस एंटीजन होगा ना वो ही जाके जो antigens का जो सरफेस होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में तो ये चीज याद रखना है जो सरफेस एंटीजन होगा वही पार्टिसिपेट करेंगे इस रिएक्शन में और जो रिएक्शन होता है वो फर्म होता है बट रिवर्सिबल ये याद रखना है गाइस एमसीक्यू पूछा जाता है ये जो रिएक्शन है ना वो रिवर्सिबल होता है ये चीज याद रखना है नाउ द फर्मनेस ऑफ कॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन एफिनिटी और एविडिटी तो फॉर्मनेस किस पे डिपेंड होता है एफिनिटी और एविडिटी अब ये एफिनिटी क्या है एविडिटी क्या है समझते हैं पहले तो एफिनिटी क्या होता है पहले समझते हैं एफिनिटी इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल मतलब समझ गए एफिनिटी का मतलब एफिनिटी का सिंपल मतलब है इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन ये जो एंटीजन एंटीबॉडी अट्रैक्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल जो ये जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी है इसके बीच में उसे ही बोलते हैं एफिनिटी ओके अब बात करते हैं एविडिटी की एविडिटी क्या है इज द बाइंडिंग स्ट्रेंथ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक बार एंटीजन एंटीबॉडी बन गए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गए तो उनका जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो कितना है वो बताता है एविडिटी ओके okay? तो एफिनिटी और एविडिटी पता चल गया एफिनिटी का मतलब इंटेंसिटी कितना है और एविडिटी का मतलब बाइंडिंग स्ट्रेंथ कितना है तो ये याद रखेंगे Now, antigens or antibodies can combine in varying proportions. याद रखना है। antibodies are generally bivalent. जो antibodies है। जो होते हैं, वो bivalent होता है. बस उसमें से जो एक होता है आईजीएम उसका फाइव और मोर कंबाइनिंग साइड होता है यूजली मैंने एंटीबॉडी पढ़ा रखा है एक वीडियो में आप जाके देखेंगे तो जो एंटीबॉडीज होता है वो बाइवेलेंट होता है पर जो आईजीएम है ना वो फाइव और मोर बाइंडिंग साइट है बस इसी का होता है फाइव और मोर बाइंडिंग साइड ठीक है और जो एंटीजन की बात करेंगे तो मे तो है Now, types of antigen, antibody reactions की अगर बात करेंगे तो पहले आता है प्रिस्पिटेशन रिएक्शन तो आप प्रिपिटेशन रिएक्शन समझते हैं तो उसके लिए पहले प्रिपिटेशन समझना पड़ेगा क्या होता है वेन अ सोल्यूबल एंटीजन React with its antibody in the presence of electrolytes NaCl at optimal temperature or pH, and the antigen antibody complex forms an insoluble precipitate is called precipitation reaction. Guys, simple soluble antigen hai antibody ja mila, in the presence of NaCl optimal temperature pH or antigen antibody complex Bana. Okay. सॉरी जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना ओके okay, उसने क्या किया इनसोल प्रसिपिटेट बनाया तो जो है. देखो, मैं समझाता हूं सिंपल तरीके से मान लो एक, सो, एक सोल्यूशन ये है एक आपने लिक्विड लिया ए प्लस दूसरा लिक्विड लिया बी दोनों को मिक्स किया अगर वो अच्छे से घुल गया तो वो एक सोल्यूशन कहलाएगा ठीक है अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया ए प्लस दूसरा बी लिक्विड अगर मिक्स किया इसमें अगर ये बी लिक्विड सस्पेंड हो गया ये जो डॉट डॉट देख रहे हो सस्पेंड अगर हो गया ये इस ए वाले में तो ये सस्पेंशन कहलाएगा क्योंकि ये घोला नहीं अब थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में देखो ए लिक्विड अगर बी लिक्विड से घोलता है बट वो क्या हो रहा है ये अच्छे से घुल नहीं रहा और ये सेडिमेंट हो गया नीचे बी लिक्विड नीचे सेडिमेंट हो गया और ए लुक ए लिक्विड ऊपर रह गया तो ये क्या हो गया नीचे प्रिसिपिटेट बन गया ओके एंड जो ए वाला था वो सुपरनेट हो गया तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो सेडिमेंट हो गया नीचे तो ये रिएक्शन जो इसके बीच में अंदर हो रहा है वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और जो ये नीचे आ गया वो प्रिसिपिटेट है ओके नाउ समझ गए नाउ देखो

ये है जो ये पार्टिकल है, इसमें वो सस्पेंड हो गए हर जगह ओके नीचे सेटल नहीं हुआ तो ये फ्लक्यूलेशन है समझ गए नाउ दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है फ्लक्यूलेशन ओके यहां पे

अब एक बात करते हैं प्रोजोन फिनोमिन यहां पे ये पूछता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है गाइस ये चीज ध्यान रखना है प्रोजोन क्या होता है मैं समझाता हूं इसको इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा इंस्टेड ऑफ थ्योरी ये देखिए तो प्रोजोन फिनोमिनन क्या होता है मान लीजिए मैंने आ, एंटीजन लिया है और एंटीबॉडी लिया है ओके तो लिया लिया है और equal amount of antibody भी ठीक है दोनों का reaction कराया तो तो बन गया ओके गय? तो दोनों बराबरी लिया है ठीक है तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ इक्वैलेंस पर अगर मैं दूसरी कंडीशन रखू अगर मैं एंटीजन ज्यादा कर दू और एंटीबॉडी कम कर दू ठीक है तो क्या होगा प्रेसिपिटेशन तो होगा बट बहुत ही वीक होगा तो याद रखना क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना. अगर मैं एंटीजन ज्यादा कर रहा हूं और एंटीबॉडीज कम कर रहा हूं तो प्रेसिपिटेशन होगा बट बहुत ही वीक होगा ओके okay? अगर इसका ऑपोजिट वाइस वर्षा कर दू अगर मैं एंटीबॉडी ज्यादा ले लू और एंटीजन कम ले लू और इसका रिएक्शन कराऊं तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म ही नहीं होगा ओके okay?

जितने एंटीजन एंटीबॉडी में जुड़ने थे वो जुड़ गए बाकी के एक्सेस एंटीबॉडी हो गया प्रेसिपिटेशन नहीं बना तो उसे ही प्रोजोन फिनोमिन बोलते हैं सिंपल ये थ्योरी का यही मतलब है गाइस। नाउ अब मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन समझते हैं मैरेक in 1934 proposed the lattice hypothesis which is widely accepted to so, merak ne kya kiya lattice hypothesis diya hai is lattice hypothesis ko samajhte hain kya hai ye lattice hypothesis okay according to this concept multivalent antigens combine with bivalent antibodies so precipitation occur only when a large lattice is formed dekho

विच इन फेलियर टू फॉर्म अ लार्ज लेटिस अगर आप एंटीजन ज्यादा ले रहे हो ओके okay, वेट अगर आप एंटीजन ज्यादा ले रहे हो ठीक है तो जो वैलेंसीज ऑफ एंटीबॉडी है वो तो फुलफिल हो गया ओके okay? तो इसी वजह से एंटी लार्ज लेटिस बन नहीं रहा है वैसी अगर वाइस वर्षा करो इन द जोन ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी एक्सेस अब ज्यादा ले लिया तो वैलेंसीज ऑफ एंटीजन आर टेकन अप विद एंटीबॉडी एंड रिजल्ट इन फेलियर टू फॉर्म लार्ज लेटिस्ट मतलब दोनों कंडीशन में या तो एंटीजन ज्यादा ले रहे हो या फिर एंटीबॉडी ले रहे हो तो दोनों में लेटिस्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो दोनों में लेटिस्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं बन रहा है तो लार्ज लेटेस्ट बनेगा तभी तो प्रेसिपिटेशन होगा यहां बनी नहीं रहा है तो ये होगा ही नहीं तो कौन से कंडीशन में लार्ज बन रहा है ज़ोन ऑफ इक्विवेलेंस जहां पे एंटीजन भी सेम इक्वल अमाउंट में लिया आपने और एंटीबॉडी भी इक्वल अमाउंट में लिया ठीक है सो दिस लेटेस्ट हाइपोथेसिस होल्ड्स ट्रू फॉर एग्लूटिनेशन रिएक्शन तो ये जो लेटेस्ट हाइपोथेसिस मैराक ने दिया था ये एग्लूटिनेशन में काम आ रहा है मैं ये समझाऊंगा डिटेल में जब मैं एग्लुटिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहां यह समझाऊंगा लेटेस्ट हाइपोथेसिस और बढ़िया से ओके नाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अब एप्लीकेशन समझते हैं इसका क्या है क्यों ये यूज कर रहे हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए

फिर उसके ऊपर सोल्यूबल एंटीजन डाला ठीक है तो अब प्रेसिपिटेट रिंग अपीयर एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड मतलब एंटीजन एंटीबॉडी लिक्विड के बीच में एक प्रेसिपिटेशन रिंग बन रहा है ओके तो देखिए ये प्रेसिपिटेशन जोन है यहां पे एंटीजन एंटीबॉडी मिल गए तो यहां पे एक रिंग बनेगा इस बीच में ठीक है उसी को बोलते हैं रिंग टेस्ट अब ये कहा यूज होता है एग्जाम्पल्स आर सी रिएक्टिव प्रोटीन तो सी आर पी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वहां ये यूज किया जाता है ये रिंग टेस्ट और स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग बाय लेंसिफिल टेक्निक जो मैं अभी समझाने वाला हूं बाद में आपको वहां ये यूज होने वाला है तो रिंग टेस्ट का एग्जाम्पल कहाँ यूज करते हैं एक तो सी रिएक्टिव प्रोटीन और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग बाय लेंसिफिल टेक्निक से ओके समझ गए अब फ्लोक्यूलेशन टेस्ट की बात करते हैं फ्लोक्यूलेशन टेस्ट जो होता है इट कैन बी डन इन स्लाइड और इन ट्यूब ये ट्यूब में भी कर सकते हैं स्लाइड में भी कर सकते हैं तो स्लाइड में अगर करना है तो कैसे करना है अ ड्रॉप ऑफ एंटीजन सोलूशन इज एडेड टू अ ड्रॉप ऑफ इनएक्टिवेटेड पेशेंट सीरम ऑन अ स्लाइड एंड मिक्सड बाय शेकिंग और फ्लोक्यूल्स अपीयर मतलब क्या होगा पहले पेशेंट का आप ले लो इनएक्टिवेटेड सीरम ले लो उसके ऊपर ड्रॉप वाइज एंटीजन डालो और उसको थोड़ा सा शेक करो तो फ्लोक्यूल बन जाएगा वहां पे ओके दिखना शुरू हो जाएगा जैसे VDRL टेस्ट में फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज एन सिफिल्पल ऑफ स्लाइड फ्लकुलेशन टेस्ट ये एग्जाम्पल याद रखना है ठीक है तो स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट हम लोग वीडियर टेस्ट के लिए करते हैं हम लोग ठीक है सिफिलिस पता करने के लिए जैसे ये देखिए फ्लोक्युलेशन ऑन ए स्लाइड

अब एंटीजन डिफ्यूजेस डाउनवर्ड थ्रू दी अगार जेल एन ए लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड मैं अभी फिगर में आपको समझाता हूँ तब समझ में आएगा पहले आपने अगार जेल लिया यहाँ पे उसमें एंटीबॉडी डाल दिया उसके ऊपर आपने एंटीजन डाला तो ये जो एंटीजन है ना जब रिएक्ट होंगे ये नीचे को आएंगे नीचे को आना शुरू होंगे रिएक्शन के लिए एंटीबॉडी के पास ओके

प्लेन अगर फिर उसके ऊपर एंटीजन डाल रहे हैं <coughs> सॉरी प्लेन अगर डाल अब रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेशन बैंड बन रहा है।, है प्लेन अगार पे बन रहा है ओके ये देखिए एंटीजन एंटीबॉडी मूव टुवर्ड्स इच अदर थ्रू इंटरवीनिंग कॉलम ऑफ प्लेन अगार एंड प्रेसिपिटेशन बैंड इज फॉर्म वेयर दे मीट इन दी ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन तो यहां पे बनेगा प्लेन ये बैंड जो बन रहा है प्लेन पे बन रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे डबल दोनों ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं और बीच में बन रहा है प्लेन अगार पे ठीक है अब बात करते हैं सिंगल डिफ्यूजन इन टू डायमेंशन जिसे बोलते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन अब सिंगल डिफ्यूजन टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या होता है इसमें एंटीसीरम एंटीबॉडी इज इनकॉर्पोरेटेड इन अगार जल फिर से वही जल में एंटी सीरम एंटीबॉडी डाल दिया ऑन दिस स्लाइड और पेट्रेडिस जो भी है वेल्स आर कट ऑन दर्फेस ऑफ जेल आप क्या करेंगे हम हमको wells बनाना पड़ेगा इस जेल में, ओके? फिर उस वेल बना दिया वेल में हम लोग well. ने एंटीजन well well को डाल दिया तो इसके चारों ओर क्या होगा एक वो बन जाएगा आपका ना हेलो बैंड बन जाएगा ऐसे रिंग शेप का तो वही बता रहा है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अभी आपको तो समझ में आएगा ये देखिए पहले ये अगार जेल है पूरा इसके ऊपर हमने वेल बनाया उसके अंदर एंटीजन डाला तो ये चारों ना हेलोज रिंग बनना शुरू हो गया ये देख सकते हैं आप हेलोज रिंग बन रहा है अभी हेलोज रिंग का मतलब भी है कुछ ओके तो डायमीटर ऑफ द रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देशन ऑफ द एंटीजन मतलब ये जो well, वेल ये जो डायमीटर जो जो ये रिंग बन रहा है उसका डायमीटर क्या बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है एंटीजन का जितना ज्यादा अगर इसका डायमीटर होगा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एंटीजन का समझे ये बताने की कोशिश कर रहा है अब इसका यूजेस क्या है कहाँ यूज करते हैं सो इट हैज बिन वाइडली एम्प्लॉयड फॉर एस्टिमेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबलिन क्लासेस आई जी एम आई जी ए आई जी जी ये सब पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका अब बात करते हैं डबल डिफ्यूजन इन टू डायमें तो अगार जेल इज पोर्ड ऑन स्लाइड पहले स्लाइड में डाल दो अगर जेल उसके बाद वेल्स आर कट यूजिंग टेम्पलेट फिर वेल्स कट कर दो उसके बाद एंटीबॉडी इज़ प्लेस्ड इन सेंट्रल वेल वेल एंड द सराउंडिंग आर फिल्ड विद डिफरेंट अब ये याद रखना है तो मैं समझाता ये पहले देखो सबसे पहले नीचे बीच में वेल well बनाना है उसमें क्या किया हमने एंटीसीरम डाल दिया उसमें ठीक है ना एंटीसीरम इस वेल में डाल दिया देखो उसके बाद छोटे छोटे वेल well साइड में हमने बनाए चारों ओर से ठीक है

एंटीजन आर आइडेंटिकल ये दोनों आइडेंटिकल है ठीक है अगर ये बैंड दोनों कोने से जुड़ता है और एक बनता है तो ये इंडिकेट करता है आइडेंटिकल एंटीजन मतलब अगर ऐसा बन रहा है तो इंडिकेट कर रहा है ये दोनों एंटीजन एक ही जैसे हैं ठीक है थीके? अगर ये क्रॉस बैंड बन रहा है इसका मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं है इंडिकेट अनरिलेटेड एंटीजन है ये समझ गए ये बहुत सिंपल है सिंपलेगा ऐसे है ये ठीक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है आप थे पढ़ सकते हैं मैंने समझा दिया आपको वही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे बात करते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की ठीक है तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कंबाइंस इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो डिफ्यूजन तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस किससे कंबाइन हो रहा है इलेक्ट्रोफोरसिस भी है और इम्यूनो डिफ्यूजन भी है दोनों है इसमें सो दिस इज डन ऑन ग्लास स्लाइड लेयर विद सेमी सॉलिड अगार यहाँ पे हम लोग सेमी सॉलिड अगार यूज कर रहे हैं और ग्लास स्लाइड में यूज कर रहे हैं तो यहां भी क्या करेंगे वैली इज कट एंड एंटीजन इज फिल्ड यहां भी वही कर रहे हैं द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ एंटीजन फॉर अबाउट एन आवर्स ये याद रखना है फर्स्ट स्टेप इन ऑफ एंटीजन फॉर एन आवर को रखना है यहाँ पे एक घंटे तक रखना है उसको मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे देखिए सिंपल है यहाँ पे हम क्या करेंगे हम मान लीजिए हमने एक आगार का वो लिया है स्लाइड लिया है ओके तो उसमें क्या करेंगे हम लोग ने अगार पोर कर दिया तो हम क्या करेंगे ट्रफ बनाएंगे एक ट्रफ ऐसे करके बनाएंगे और एक वेल बनाएंगे ऐसे ठीक है ना अब क्या करना है ये जो वेल बनाया है इसमें हम लोग एंटीजन डालेंगे हमने एंटीजन डाल दिया इसमें ठीक है उसके बाद क्या होगा जैसे आप एंटीजन डालोगे तो क्या होगा ये जो एंटीजन है वो अपना कॉम्पोनेंट बनाना शुरू कर देगा ठीक है ना तो ऐसे ऐसे कॉम्पोनेंट उसने बना दिए ठीक है तो एंटीजन कॉम्पोनेंट सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस क्योंकि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट हो जाएगा ये ठीक है ना उसके बाद क्या होगा ये जो ट्रफ बनाया था इस एंट इससे एंटीबॉडी से भर दो ओके इसको एंटीबॉडी से भर दिया उसके बाद क्या होगा एंटीजन एंटीबॉडी मिलना शुरू करेंगे रिएक्शन मिलेंगे ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी मिलेंगे उसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे मतलब स्पेसिफिक एंटीजन अपना एंटीबॉडी के पास जाएगा और फिर बैंड बनना शुरू हो जाएगा ठीक है ना उसके बाद प्रिपिटेशन बैंड बनना शुरू हो जाएगा ठीक है ना यहाँ पे ऐसे जब ये मिलेंगे दोनों तो प्रिस्पिटेशन बैंड बनना शुरू हो जाएगा ठीक है तो यही होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसमें जो डिफ्यूजन होता है इज टू टू प्रोसीड फॉर 18 24 आवर्स मतलब 24 घंटे लग जाते हैं इसमें कम से कम

तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान से समझिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछिए मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आपको थैंक यू सो मच